अकाल मृत्यु का नाश करने और अकाल मृत्यु का भय खत्म करने के लिए यदि धनतेरस के दिन सूर्यास्त के बाद दक्षिण दिशा में दीपक जलाया जाए तो यमराज प्रसन्न होकर अकाल मृत्यु ना होने का वरदान देते हैं। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन सूर्यास्त के बाद दक्षिण दिशा में ही यह दीपक जलाना चाहिए। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा होती है, इसलिए इसी दिशा में धनतेरस के दिन दीपक जलाने का महत्व बताया गया है। यमराज की प्रसन्नता के लिए दक्षिण दिशा में दीपक जलाने के महत्व को लेकर क्या कहते हैं हरिद्वार के ज्योतिषी, सुनिए। दीपावली का समय आता है, उससे दो तीन दिन पहले ही ये हमारे सनातन धर्म के अनुसार जो हमारे पर्व हैं हिंदू धर्म के, वो प्रारंभ हो जाते हैं। तो जैसा कि धनतेरस होती है त्रयोदशी के तिथि में, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस मनाते हैं। उस दिन यम प्रीत्यर्थम, यम राज की प्रसन्नता के लिए घर के बाहर सूर्यास्त के बाद, अर्थात 5:38 पर सूर्यास्त होगा, तत्पश्चात कुछ समय बाद यमराज की प्रसन्नता के लिए दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाया जाता है। दक्षिण दिशा में उनका निवास माना गया है, इसीलिए दक्षिण दिशा में एक दीपक सरसों के तेल का जलाना शुभ होता है। अच्छा, इससे क्या कुछ फल मिलता है गुरुजी? देखिए, जब हम यमराज की प्रसन्नता के लिए दीपक जलाते हैं, हमारे परिवार में कई प्रकार के कष्ट, रोग और कई प्रकार की व्याधियां वो समाप्त होती हैं और घर से नेगेटिव ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सकारात्मक उसका फल हमें प्राप्त होता है। साथ ही अकाल मृत्यु का भी नाश होता है, क्योंकि कहते हैं कि अकाल मृत्यु जब नहीं आती है, जबकि हम यमराज की प्रसन्नता के लिए, अर्थात यम प्रीत्यर्थम, अर्थात यम की प्रसन्नता के लिए घर के बाहर दक्षिण दिशा में दीपक जलाते हैं।